हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। आज की जॉब अपडेट होने वाली है NWDA की तरफ से। NWDA आपका स्टैंड करता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे आपकी जॉब निकल के आ रही है, जहाँ पे अगर आप 12th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, डिस्कस करेंगे क्या रहेगा इसका पूरा नोटिफिकेशन, क्या इसकी लास्ट डेट होने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन पैटर्न होने वाला है, क्या इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, सीधा चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और इसका अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच है। जैसे आप इसके लास्ट पेज पे जाओगे वहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की, किस किस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे जॉब अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे पहली पोस्ट आपकी निकल के आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल की। अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा है सिविल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है 18 to 27 और ST/ST कैंडिडेट को एक्स्ट्रा एज इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है 35,000 से लेके 1,12,000 तक, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। सेकंड पोस्ट हमारे होने वाली है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। अगर आपने बीकॉम कंप्लीट करी है तो यस आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कैश एंड अकाउंट्स तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं हमारी तीसरी प्रोफाइल की। प्रोफाइल हमारे होने वाली है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd की। इसके अंदर ये जॉब अपडेट निकल के आ रहा है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है और डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे इसकी सैलरी रखी गई है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक और इसकी एज लिमिट होने वाली है 18 से 27 साल। बात करते हैं हमारी फोर्थ पोस्ट होने वाली है हमारी अपर डिविजन क्लर्क की। अपर डिविजन क्लर्क के लिए यहाँ पे इन्होंने मांगा है आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में, चाहे वो BA हो, BCOM हो, BSc हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है 25,000 से 80,000 तक और यहाँ पे आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल। बात करते हैं हमारी फिफ्थ पोस्ट की। फिफ्थ पोस्ट हमारे होने वाले स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए और उसमें स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, जो इन्होंने मांगा है। अगर आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड इतनी है तो आप यहाँ पे इसको जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे आपकी सैलरी आएगी 25,000 से 81,000 और आपकी एज लिमिट होने वाली है 18 से 27 साल। अब बात करते हैं हमारी सिक्स प्रोफाइल की। सिक्स पोस्ट हमारे होने वाली है लोअर डिवीजन क्लर्क की। यहाँ पे इसको 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपके 30 वर्ड्स पर मिनट तक की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है 19,600 से लेकर 63,200 तक और यहाँ पे आपकी एज लिमिट होने वाली है 18 से 27 साल। यहाँ पे डिजायरेबल में इन्होंने कुछ चीजें बोली है। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है, आपको MS Excel आता है, PowerPoint आता है, MS Word आता है, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी डेट्स की। इसके फॉर्म 18 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके फॉर्म चलेंगे 17 अप्रैल तक, मतलब आपके पास काफी टाइम है अभी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। उससे पहले इसकी फीस देख लेते हैं। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने फीस दी गई है 890 प्लस GST फॉर जनरल कैंडिडेट्स और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 550 प्लस GST प्लस बैंक चार्ज यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करना, वरना आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर आप इस फॉर्म को एवं अप्लाई कर देते हो तो। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस इसका मेजर 2 स्टेजेस में होने वाला है। फर्स्ट में आपका एक रिटन टेस्ट रहेगा जो OMR बेस्ड रहेगा और सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे और जिस पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके एग्जाम की डिफिकल्टी डिसाइड होगी। अगर आप स्टेज 1 को क्लियर कर जाते हो तो आप स्टेज 2 में पहुंचोगे, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है जहाँ पे आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। अगर आप इन स्टेजेस को क्लियर कर लेते हो तो और मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाता है तो यस आप तो ये नौकरी आपकी हो जाएगी। अब इस फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके क्लिक करिए, सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से इस फॉर्म को ऑनलाइन ही आपको अप्लाई कर देना है। तो ये था गाइस NWDA का पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे हम वीडियो लेके आए आपको उसकी तुरंत अपडेट मिल जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।